ये कहानी एक फॉक्स और एक विद्वान इंसान के दोस्ती की, त्याग और बलिदान। अब मूवी की शुरुआत में हमें एक फॉक्स को दिखाया जाता है जो एक मेंढक के पीछे भाग रहा है और तभी उसका पाव फिसलता है और वो खाई में लटक जाता है। अब वो गिरने ही वाला था कि उसे एक बच्चा बचा लेता है, पर अब बच्चे का पैर फिसलता है और वो भी लटक जाता है। फॉक्स उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसके पंजों से बच्चे के हाथों में जख्म हो जाता है। ये देखकर फॉक्स अब दोनों पैरों से उसे बचाने लगता है पर वो बच्चा नीचे गिर जाता है। फॉक्स जल्दी से नीचे उतरता है, बच्चा बेहोश पड़ा होता है। फॉक्स उसे खाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठता। फॉक्स को बहुत बुरा लगता है और उसके आंसू उस बच्चे के हाथ के जख्म पे गिरते हैं। इस घटना को 500 साल गुजर जाते हैं। अब हमें यहाँ एक गुरुकुल दिखाया जाता है जहाँ सभी विद्वान और ताकतवर फॉक्स को बुलाया गया होता है। हर कोई एंट्री स्टोन दिखाकर अंदर जाता है। यहाँ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सीचान। इसे भी उस आयोजन का हिस्सा बनना होता है पर उसके पास एंट्री स्टोन नहीं होता तो वह एक पड़ा हुआ स्टोन उठाकर अंदर जाता है पर वहाँ का चीफ स्टोन चेक करता है जो कि टूटा हुआ होता है। वो पूछता है तुम्हें ये कहीं पड़ा हुआ मिला? वो बोलता है हाँ। चीफ बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम यहाँ आने योग्य हो और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। और तभी वहाँ गुरु की फॉक्स स्पिरिट आती है जिसको नौ पूछे होती है। इनका नाम होता है झांग। अब ये घोषणा करते हैं कि तुम्हारे पास एक अवसर है जो हजार साल में सिर्फ एक बार आता है। वो अगले महीने 15 तारीख को है जब चांद बैंगनी कलर का होगा। तब तुम्हें एक पवित्र मानवीय आत्मा से सफेद मणि प्राप्त करना होगा। ऐसा करने के बाद तुम नौ पूछो वाले ताकतवर और अमर फॉक्स बन जाओगे जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। ये मनी कई साल पहले एक पवित्र आदमी के शरीर में डाला गया था और ये मनी उचित समय पर ही उसके शरीर से निकलेगा जब वो खुद ऐसा चाहेगा। ये सब बातें सीचान दूर से सुन रहा होता है। अब वहाँ एक यंत्र प्रकट होता है जिस पे ये सभी फॉक्स हाथ रखते हैं ताकि पता चले कि सफेद मनी कहाँ मिलेगा, पर वो यंत्र एक्टिव नहीं होता। गुरु बोलता है कि कोई है जो यहाँ नहीं आया है। तभी सीचान बोलता है कि वो मैं हूँ और दौड़ कर वहाँ आता है। सब उस पर हंसते हैं क्योंकि वो एक कमजोर और एक बेवकूफ फॉक्स होता है। सीचान बोलता है कि क्या मैं इस यंत्र को स्पर्श करूं? गुरु हाँ कहते हैं। अब वो जैसे ही उसे टच करता है यंत्र एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ सबके हाथ पे निशान आता है कि वो सफेद मनी कहाँ मिलेगा, पर सीचान के हाथ पर कोई निशान नहीं आता। वो फिर से एक बार ट्राई करता है और फाइनली उसके हाथ पे निशान आता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है और अपना हाथ सबको दिखाता है, पर वो निशान देखकर सब लोग हंसते हैं। अब गुरु से बताते हैं कि तुम्हें एक अधूरा निशान मिला जिसकी वजह से तुम सफेद मनी पाने में असफल हो सकते हो और तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर फिर भी जाना चाहते हो तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक हथियार लो। गुरु बताते हैं कि ये हथियार तुम्हें बुरी आत्मा और शैतानों से बचाएगा। सीचान काफी खुश होता है और उनके गले लगता है और उनके पास का एक यंत्र भी निकाल लेता है। गुरु पूछते हैं कि तुम उस विद्वान इंसान को ढूंढोगे कैसे? वो बोलता है कि दादाजी मैंने आपका वो यंत्र ले लिया है जो मुझे रास्ता दिखाएगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ गुरु चीफ को बोलते हैं कि सफेद मनी पाने में काफी फॉक्स मारे गए हैं। सीचान लापरवाह है, ये उन सभी फॉक्स में से एक है जो सफेद मनी पा सकता है, इसलिए तुम उसकी रक्षा करो। अब अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम होता है जितिन। वो अपने भाई को ढूंढने के लिए हर गांव घूम रहा होता है। उसके साथ उसका एक गधा भी होता है। इसी गांव में सीचान भी होता है। उसे यंत्र से पता चलता है कि वो विद्वान स्कॉलर आसपास से ही है। अब सीचान लंबे कान वाले इंसान को ढूंढने लगता है, तभी जितिन वहाँ गधे के साथ आता है। उस गधे को देखकर सीचान डर जाता है और जोर से चिल्लाता है जिससे वो गधा वहाँ से भाग जाता है। जितिन उसका पीछा करता है। यहाँ चीफ भी होता है। वो समझ जाता है कि सीचान जिसे ढूंढ रहा है वो यही है। चीफ उसके पीठ पे चुपके से आग का सुरक्षा कवच बना देते हैं ताकि उसे कोई हानि ना पहुंचाए। गधा काफी दूर भाग जाता है। अब जितिन सीचान को पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा गधा तुम्हारी वजह से भागा है, इसलिए उसे वापस ला कर दो। सीचान वहाँ से भागता है और जितिन भी उसका पीछा करता है। अब काफी दूर भागने के बाद ये दोनों थक जाते हैं। सीचान बोलता है ठीक है, गधा ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब वो अपना यंत्र निकालता है और पता करता है कि वो विद्वान स्कॉलर कहाँ है। यंत्र उसे बताता है कि वो तुम्हारे पास है। सीचान समझ जाता है कि जितिन ही वो पवित्र आत्मा है जिसे वो ढूंढ रहा है। अब ये दोनों एक कुटिया में पहुंचते हैं जहाँ सीचान को पता चलता है कि ये सिविल एग्जाम देने जा रहा है। सीचान जितिन को बोलता है कि मैं भी एग्जाम देने ही आया हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ चले। जितिन बोलता है कि वो गधा मुझे मेरी दादी ने दिया ताकि मैं उसे अपने भाई तक पहुँचा सकूँ, और वो सीचान को अपने भाई की फोटो दिखाता है। रात होती है और जितिन उसी कुटिया में सो जाता है। पर सीचान जाग रहा होता है, तभी उसे वहाँ कोई होने का एहसास होता है। ये चीफ होता है। चीफ बोलता है कि मुझे गुरु ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। वो सीचान को बताता है कि अगर तुम्हें किसी इंसान का दिल जीतना है तो क्या आगे इतने संकट
संकट पैदा करो कि वो काफी डर जाए और खुद को असहाय महसूस करे और तब तुम उसकी मदद करो तो वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएगा। सीचान बोलता है अगर तुम यहाँ मेरी सहायता करने आए हो तो तुम गधे का रूप ले लो ताकि मैं जितिन को बता सकूं कि मैंने उसका गधा ढूंढ लिया है जिससे वो मुझे अपना दोस्त बना लेगा। सुबह होती है, जितिन को उसका गधा बाहर मिलता है जिससे वो काफी खुश हो जाता है। अब ये दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। जितिन अब सीचान को एक अच्छा दोस्त समझने लगता है। शाम होती है इसीलिए ये एक गाँव में आसरा लेने की सोचते है। ये एक शिक्षा केंद्र है, यहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें पूछता है कि क्या तुम यहाँ एग्जाम देने आए हो, यहाँ काफी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होते हैं। सीचान बोलता है कि नहीं, हमें यहाँ सिर्फ एक रात के लिए आसरा चाहिए, जिसके लिए वो आदमी मान जाता है। अब काफी रात होती है, जितिन कुछ पढ़ रहा होता है तभी उसे कोई बाहर होने का एहसास होता है। वो बाहर जाता है जहाँ एक मेंढक सोने के अंडे देते हुए दिखाया जाता है। जितिन उस सोने के अंडे को उठाता है पर वापस रख देता है। अब वो सीचान को ढूंढने के लिए एग्जाम हॉल में जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उस शिक्षा केंद्र का ओनर छू उसे आवाज देता है और उसे पानी में देखने बोलता है। तभी कोई उसे पानी में खींच लेता है। अब वो खुद को बचाकर पानी से निकलता है। तभी हम मेंढक डीमन को देखते हैं जिससे वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागता है और मेंढक अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है। अब वो उसे खाने ही वाला था कि सीचान मेंढक पे कूदता है जिससे जितिन छूट जाता है। अब वो इन पे फिर से हमला करता है और सीचान बीच में आ जाता है जिससे वो मेंढक सीचान को निगल लेता है। सीचान जितिन को बोलता है कि यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। जितिन भाग जाता है और यहाँ हम सीचान को मेंढक के मुंह से बाहर आते हुए देखते हैं। इनफैक्ट सीचान ने ही ये सारा प्लान किया होता है ताकि जितिन उसका हमेशा एहसान मंद हो। अब हम जितिन को देखते हैं जो अपने हाथ में आग की मशाल लेकर सीचान को बचाने आता है और वो उस मेंढक की जीभ जला देता है ताकि वो सीचान को छोड़े। मेंढक सब कुछ अंदर खींचने लगता है जिससे वो मशाल भी उसके पेट में चली जाती है और अंदर की आग से सीचान बाहर फेंका जाता है। सीचान काफी जल गया था और तभी जितिन को उसकी पूंछ दिखती है पर चीप उसे बेहोश कर देते हैं। अब अगले सीन में हम चीप, सीचान और मेंढक को देखते हैं। तभी जितिन जाग जाता है, मेंढक और चीप पानी में कूद जाते हैं। जितिन पूछता है कि तुम कौन हो, तब सीचान बताता है कि मैं एक फॉक्स हूँ, मुझसे डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे एहसान का कर्ज चुकाने आया हूँ। वो यहाँ एक झूठी कहानी सुनाता है और बोलता है कि तुम जब छोटे थे तब तुमने मेरी जान बचाई थी। यहाँ जितिन उसे गले लगाता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। अब जितिन सीचान को अपना बड़ा भाई मानने लगता है। अब ये एक शहर पहुँचते है, ये शहर काफी खूबसूरत होता है। जितिन बोलता है कि ये वही एम्प्रियल परीक्षा केंद्र है जहाँ मैं परीक्षा देने आया हूँ। जान बोलता है अभी परीक्षा को 2 दिन बाकी है इसलिए हम हॉस्टल में रुकेंगे। अब ये आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक बच्चा मिलता है जो बोलता है कि तुम्हारा वहाँ कोई इंतजार कर रहा है। जितिन को लगता है कि उसका भाई डोरोन होगा। अब ये दोनों एक जगह पहुँचते है जहाँ काफी लड़कियाँ हो। अब वहाँ 2 लोग आते हैं और उसे सेकंड फ्लोर पे ले जाते हैं। यहाँ हम मेंढक को भी देखते हैं जो कि एक औरत की ड्रेस में होता है। इनफैक्ट ये भी सीचान और मेंढक का ही प्लान होता है। जितिन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जितिन को उस कमरे में एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखती है, उसका नाम दीना होता है। ये एक होस्ट होती है। ये सीचान और मेंढक के कहने पर जितिन को लुभाने आई ताकि वो जितिन को मार कर सफेद मनी उसके बॉडी से निकाले और उसे सीचान को दे सके। वो कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरे विचार नहीं है। अब वो वहाँ से जाने लगता है। दीना समझ जाती है कि जितिन बहुत बोला है। तभी जितिन की किसी चीज से उंगली कटती है। उसका खून देखकर लीना उसे पीना चाहती है और उस पे हमला करती है पर चीप ने दिए हुए सुरक्षा कवच से वो दूर फेंकी जाती है और ये उसके साथ बार बार होता है। वो समझ जाती है कि मैं इसे मार नहीं सकती। लीना को रोता हुआ देख जितिन बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और इस नर्क से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। ये सुनकर लीना काफी भावुक हो जाती है। अब ये दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे। सीचान भी कमरे के बाहर आकर इनकी बातें सुनता है। जितिन बताता है कि मैं परीक्षा देने और अपने भाई को ढूंढने आया हूँ और इसमें मेरे दोस्त सीचान ने काफी मदद की, उसने मेरी जान बचाई है और मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। ना प्यार देखकर सीचान के दिल में उसके लिए काफी इज्जत बढ़ जाती है। अब वो भी उसे अपना दोस्त मानने लगता है। जितिन बातें करते करते सो जाता है। लीना सीचान को बोलती है कि मैं उसके क्लोज नहीं जा पाई और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम चीप और लीना को देखते हैं जहाँ चीप एक लोटस को मरोड़ रहा होता है जिससे लीना को काफी दर्द होता है क्योंकि उसकी जान उस लोटस में होती है। वो कहता है कि तुम उसके शरीर से सफेद मनी नहीं निकाल पाई, अगर तुमने वो नहीं निकाला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब सुबह होती है और जितिन अपने भाई की फोटो लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछता है पर उसे किसी ने नहीं देखा। अब शाम होती है और ये परीक्षा केंद्र पहुँचते है।
यहाँ काफी सारे स्टूडेंट एग्जाम देने आए हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर एग्जाम चल रही होती है। एक आदमी बोलता है कि मैं पास हो गया, पर तभी एक होश दिखता है, वो शोर मचाता है, पर थोड़ी देर में सबको उसकी लाश जाते हुए दिखती है। सब अपने एग्जाम में बिजी होते हैं। तभी नीना की स्पिरिट वहाँ जाती है। सीचान पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि शैतान सभी पास होने वाले स्टूडेंट की आत्मा को उनके शरीर से निकाल लेगा, जितिन भी एग्जाम में पास कर लेता है। तभी उस घोस्ट को देखते हैं, वो जितिन की आत्मा को निकाल लेता है। अब हम यहाँ जितिन की आत्मा को देखते हैं, जिसे उसका भाई डोरोन दिखता है। वो उसके पास जाता है पर वो घोस्ट बनकर उस पर हमला करता है। तभी सीचान अपने चाकू से घोस्ट पे हमला कर देता है और जितिन को कहता है कि भागो यहाँ से। पर उसका भाई जो कि डीमन है, वो पेन की शाही और पेपर से काफी बड़ी दीवार बनाना शुरू कर देता है, जिसमें ये दोनों कैद हो जाते हैं। अब उन पेपर की शाही निकलकर उनकी आत्मा को कैद करना शुरू करती है, पर सीचान दैवी चाकू से पेज पे हमला करता है, जिससे वो बच जाता है। पर जितिन की आत्मा उस शाही में फंस जाती है। वो अपनी तरह काफी स्टूडेंट को एग्जाम देते हुए देखता है, जो कि सब घोस्ट होते हैं। अब दूसरी तरफ हम सीचान को देखते हैं, जिसकी आत्मा पर काफी घोस्ट हमला कर देते हैं। और यहाँ जितिन का भाई जितिन की आत्मा एक पेन में कैद करना शुरू कर देता है। जितिन अपने भाई का नाम पुकारता है और तभी डोरोन को खुद के और जितिन के बारे में सब याद आना शुरू हो जाता है। उसे ये भी याद आता है कि वो यहाँ एग्जाम देने आया था, पर एग्जाम पास करने के कारण उसकी आत्मा भी यहाँ कैद हो गई है। अब वो अपने भाई को छोड़ देता है। जितिन अपने भाई डोरोन को बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। डोरोन बोलता है कि अब काफी देर हो चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ सीचान को देखते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागरूक करता है, जिसकी वजह से सारी आत्माएं नष्ट होना शुरू हो जाती है। डोरोन अपनी आत्मा नष्ट होने से पहले जितिन को बताता है कि सीचान एक फॉग स्पिरिट है और वह तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि उसे तुम्हारे शरीर में रखे हुए सफेद मणि की जरूरत है, ताकि वो अमर और शक्तिशाली बन सके। अब जितिन और सीचान की आत्माएं उनके शरीर में वापस आ जाती है। जितिन सीचान को एक बार फिर जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। सीचान बोलता है कि तुम्हें लीना ने बचाया है, उसने ही मुझे इन घोस्ट की खबर दी थी। जितिन कहता है कि तुम्हारी कोई विश हो तो बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। और वो पूछता है ये सफेद मणि क्या है। वो बोलता है कि एक अमरता प्रदान करने वाला सफेद मणि है। जितिन बोलता है कि मैं ये तुम्हें दूंगा, पर मेरी एक विश है, मैं लीना को उस जगह से निकालना चाहता हूँ। वो एक अनाथ थी जिसे कुछ पैसों में बेचा गया था। अपनी जिंदगी से तंग आकर उसने पानी में कूद कर अपनी जान दे दी, पर उसकी आत्मा काफी शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से वो लोटस में कैद हो गई। अब वो खुद को जवान रखने के लिए लोगों का खून और दिल खाने लगी है। जो कोई उसे सच्चा प्यार करेगा, वही उसकी आत्मा को लोटस से निकाल सकता है। अब जितिन लीना के पास जाता है और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर लीना कहती है कि मैं एक फ्लावर घोस्ट हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मारे जाओगे। जितिन बोलता है अगर मेरी जान तुम्हारे काम आए तो मेरे लिए सौभाग्य होगा, मैं तुम्हारे पति के रूप में मरूंगा, मैं तुम्हें काफी खुश रखूंगा। और वो ये भी बताता है कि सफर के दौरान सीचान ने मेरी काफी मदद की और उसकी वजह से मैं तुमसे मिल पाया। सीचान और चीफ दोनों ही ये सब सुन रहे होते हैं। जितिन कहता है सूरज चांद तारे जमी और आसमान को साक्षी मानकर आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। ये सुनकर लीना उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है और वो जितिन को लेकर भागती है। चीफ उसे रोकने का प्रयास करता है और सीचान उसे बेहोश कर देता है। अब ये भाग रहे होते तभी सीचान उनके सामने आता है ताकि वो उनकी मदद कर सके, पर लीना को लगता है कि ये हमें रोकने आया है और जितिन को बताती है कि ये फॉक्स स्पिरिट है और ये अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है, ये तुमसे सफेद मनी लेना चाहता है। जितिन बोलता है कि ऐसा नहीं है। अब लीना सीचान पे हमला करती है और कहती है कि तुम जितिन को मारना चाहते हो। लीना जितिन को बताती है कि आज ब्लू मून की रात है, जब ये तुमसे मनी लेगा और तुम मर जाओगे। सीचान बोलता है कि नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता, वो मेरा अच्छा दोस्त है। पर लीना को विश्वास नहीं होता और ये सीचान को मारने ही वाली थी कि मेंढक दैवी चाकू से लीना को मारता है। लीना बोलती है ये सब लोग मकार है और जितिन को वहाँ से लेकर भागती है। अब लीना मरने वाली होती है। जितिन बोलता है तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या करूँ, पर वो बोलती है कि अब काफी देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी, पर इस जन्म में ये नहीं हो पाया और उसका शरीर नष्ट हो जाता है। इससे जितिन बहुत दुखी हो जाता है और तभी सीचान वहाँ आता है। जितिन बोलता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, अपना सबसे अच्छा दोस्त और भाई माना, पर तुमने मुझे धोखा दिया और लीना को भी मुझसे छीन दिया। सीचान बोलता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। और यकीन दिलाने के लिए वो खुद को मारना
करना चाहता है, पर तभी उसके गुरु उसे वापस फॉक्स की दुनिया में बुला लेते हैं। गुरु उसे बताते हैं कि 1000 साल पहले जब तुम खाई में गिरने वाले थे तब एक बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई थी, और जब उसका पाव फिसला तो तुम उसकी मदद करना चाहते थे पर वो नीचे गिर गया। तुमने नीचे जाकर उसे उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। तुम्हारे आंसू उसके जख्मों पे गिरे और यही आंसू सफेद मनी के आकार में आने के लिए 1000 साल लग गए। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जीते नहीं था। सीचान बोलता है कि उस सफेद मनी से उसकी जान चली जाएगी, पर गुरु बोलते हैं कि जो नसीब में है वो ही होना है। अब ये मौका 1000 साल बाद आएगा, तुम्हें सफेद मनी लेना ही होगा जिससे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म होगी। अब सीचान जितिन को ढूंढने निकलता है। अगले सीन में हम जितिन और सीचान को देखते हैं। जितिन बोलता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मुझे लगता था कि मेरे पास जिंदगी जीने के लिए बहुत समय है और मेरे साथ तुम और लीना भी होगे, पर अब मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम मेरे पास की सफेद मनी ले लो जिससे तुम अमर हो जाओगे। वो अपने शरीर से मनी निकाल कर उसे देता है, वो मर जाता है। अब सीचान उसके बॉडी को घसीट कर ले जा रहा होता है, तभी हम वहाँ सीचान को देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि चीप ने मनी के लिए सीचान का रूप लिया था। वो सीचान को बताता है कि इतने समय से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ उस मनी के लिए था, पर ये मनी एक सामान्य लाल मनी है, और उसे वो फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। चीतिन को मरा हुआ देख सीचान को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ सीचान और चीप में काफी लड़ाई होती है। चीप अपने 7 टेल वाले फॉक्स रूप में आता है। यहाँ काफी लड़ाई होती है पर चीप उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब ये मरने ही वाला था कि उसका हाथ उस लाल मनी पे पड़ता है और वो सफेद होना शुरू हो जाता है। चीप एक बुरा फॉक्स था और ये मनी कभी उसका था ही नहीं, इसीलिए वो उसके कोई काम का ही नहीं था। अब ये उस मनी को छूते ही दैवीय प्रक्रिया होती है और सीचान काफी ताकतवर होने के साथ 9 टेल वाला फॉक्स बन जाता है। अब यहाँ चीप और सीचान की काफी लड़ाई होती है जिसमें चीप बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब सीचान चीप को मारने ही वाला था कि उसे जितिन का लोगों को माफ करने वाला भोलापन याद आता है और वो चीप को छोड़ देता है। अब हम 9 टेल फॉक्स और जितिन को देखते हैं और यहाँ जितिन फिर से जिंदा हो चुका था पर वो सब कुछ भूल चुका होता है। अब वो अपने घर आता है और दादी के साथ रहता है। अब एक दिन जब वो कहीं जा रहा था तब उसे एक रेड फॉक्स दिखता है जो जख्मी होता है। ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अब हमें जितिन के मरने के बाद क्या हुआ था वो दिखाते हैं। जितिन मर चुका होता है और सीचान उसके पास बैठकर काफी रोता है और कहता है हे भगवान, अगर जितिन फिर से जिंदा होता है तो मैं अपनी अमरता और ताकत छोड़ने को तैयार हूँ और सभी शिक्षाएं भी भोगने तैयार हूँ। तभी हम उसे लोमड़ी में बदलते हुए देखते हैं और यहाँ भविष्यवाणी होती है कि जितिन पहले जैसा होगा, बाकी का वो सब कुछ भूल जाएगा। पर सीचान फॉक्स को सब कुछ याद होता है और इसीलिए वो जितिन के पास आया होता है और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।